मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर आप मेरे इस लेशंस को फॉलो कर रहे होंगे तो उसका पार्ट 5 होने जा रहा है एंड टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी को समझने से पहले कुछ रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे वीडियोस अपनी कोचिंग्स में अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, लेकिन आज मैं बिल्कुल एक नया तरीका बताऊंगा उसको सॉल्व करने का, और ये बहुत ही अच्छा मेथड, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि कैसे साइन कन्वेंशन का हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसका सबसे फर्स्ट रूल आपका क्या है ना, ऑल टर्म्स अबव ग्राउंड आर टेकन पॉजिटिव। मतलब हम यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम के तौर पर ग्राउंड को मानेंगे, जैसा कि उस क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ पे दिखा है। अगर आप इसको एक अर्थ सरफेस मानते हो तो मान लेते हैं कि अगर बॉल को आपने कोई प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी अर्थ सरफेस के ऊपर है जैसा कि ऊपर दिखाया गया, या फिर फाइनल वेलोसिटी भी ऊपर जाके कहीं होगा। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऊपर जाके होगा। तो जो भी चीज़ सरफेस के हम ऊपर की ओर डायरेक्टेड लेंगे होंगी, जो भी सरफेस के ऊपर होंगी हम उनको पॉजिटिव में लेंगे, और जो भी क्वांटिटीज सरफेस के जस्ट नीचे होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे। जैसे कि मान लो आपने कोई बॉल ड्रॉप करा तो उसका फाइनल वेलोसिटी, या फिर किसी किसी मिडिल मिडिल में कोई वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उस केस में हम नेगेटिव में लेंगे। तो ये इसका मेन साइन कन्वेंशन है। बिल्कुल आपका मैथमेटिक्स का रूल चलेगा, जिस तरह से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ सारे वैल्यूज पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ सारे वैल्यूज नेगेटिव में होते हैं, वैसा ही कुछ। तो यहाँ सेकंड वाले में भी ये चीज दिखाया गया अर्थ सरफेस को लेकर। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल टर्म्स टुवर्ड्स ग्राउंड आर टेकन नेगेटिव। जैसे यहाँ ग्राउंड की तरफ अगर इनिशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए किसी बॉल को आपने 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो उस केस में यू नेगेटिव ले लेंगे। उस तरह से फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव, मतलब ग्राउंड के तरफ तो नेगेटिव और ग्राउंड से ऊपर तो पॉजिटिव, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, यू हो गया, वी हो गया, एस हो गया। एस को यहाँ पे हाइट भी लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी का जो केस है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, इसीलिए यहाँ पे जो अच्छा एक और ट्विस्ट यहाँ पे क्या है, चाहे आप बॉल को ऊपर थ्रो करें चाहे बॉल को नीचे थ्रो करें, मतलब इफ वी आर थ्रोइंग अ बॉल अगेंस्ट द ग्राउंड और टुवर्ड्स द ग्राउंड, इन बोथ दीज टू केसेस वी आर गोइंग टू टेक जी इन नेगेटिव। मतलब हम जी हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे, ये एक ट्विस्ट है। बहुत सारे कोचिंग्स में या आपने स्कूल वाले टीचर से पढ़े होंगे तो जी वो वेरी करवाते प्लस, लेकिन इस मेथड से आपको हमेशा जी नेगेटिव लेना है ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो यही इसके छोटे मोटे साइन कन्वेंशंस हैं। अब क्या करेंगे ना, हम इन साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करके देखो हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू रीच द ग्राउंड। ये 4 क्वेश्चंस हैं इसमें आपका, तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम। तो सबसे पहला बात, आपने बॉल को फेंका है अबव द ग्राउंड, बॉल इज ऑन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब रेफरेंस सरफेस ऑफ, मतलब रेफरेंस पॉइंट यानी ग्राउंड के ऊपर, तो यू वी एस वगैरह पॉजिटिव मिल लेंगे। तो सबसे बात की अगर आप किसी बॉल को जब नीचे सरफेस से फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि टाइम निकालने पूछ रहा है, आपका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, ये थर्ड वाला पार्ट हम पहले निकालेंगे, मतलब व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। ये अगर आपसे कोई पूछे तो हम क्या करेंगे ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी आपका मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड से बॉल को थ्रो किया गया, और इनिशियल वेलोसिटी एक सरफेस के ऊपर है, मतलब आपने जो प्रोजेक्ट किया है बॉल को या फिर थ्रो कराया है वो सरफेस के ऊपर किया, इसलिए हम पॉजिटिव मिलेंगे यू। अच्छा, जी को मैंने क्या किया था, हमेशा नेगेटिव में लिखना, तो यहाँ पे जी 10 लेके अगर चलेंगे तो -G यानी कि -10, और टाइम कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये बात हमको हमने ऑलरेडी बात करे कि टाइम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द, टाइम कभी भी डिपेंड नहीं करता है मतलब रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता टाइम, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो टी का जो वैल्यू आएगा, 10 t इज इक्वल टू टी इज इक्वल 0.2 सेकेंड, मतलब 0.2 सेकेंड्स में वो बॉल अपने मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लिया।
तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट क्या होगा जहां तक, जहां पर 2.02 सेकंड के बाद बॉल पहुंचा, जो कि इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ हम तीसरे नंबर पे निकाल रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, एच इज इक्वल यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से फिर देखो यू आपका प्लस में आएगा क्योंकि आपने बॉल को ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे प्लस यू। अच्छा टी, टाइम आपका 0.2 सेकेंड है, तो टाइम को ये पुट कर दें यू टी। अच्छा यहाँ जी हमें, मैंने कहा था ऑलवेज नेगेटिव, तो जी यहाँ पे -10, तो बाहर माइनस, तो ये भी माइनस, हाफ जी टी स्क्वायर टाइम 0.2, मैंने 2/10 by 2/10। तो ऐसे कैलकुलेट करने पर आपका 0.2 मीटर का हाइट आता है, मतलब बॉल विल अटेंड 0.2 मीटर ऑफ हाइट आफ्टर 0.2 सेकेंड्स। फिर आपका लास्ट पार्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम टू रीच द ग्राउंड अगेन, मतलब बॉडी को ग्राउंड पहुंचने में कितना समय लगता। मतलब आपको एक चीज दिमाग में याद रखना है कि किसी भी बॉल को आपने थ्रो करा, जो टाइम उसको पहुंचने में मैक्सिमम हाइट लगता है, वही सेम टाइम उसको ग्राउंड पहुंचने में भी लगता है, बिल्कुल सेम टाइम। तो अगर आपको 0.2 सेकेंड टाइम अगर मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लग रहा है, तो वापस से अपने रेफरेंस पॉइंट में उसे आने में दोबारा से 0.2 मिनट ही लगेगा। तो यही सवाल यहाँ पर आपका कह रहा है। तो सो अगेन अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड, सो टोटल टाइम 0.2 + 0.2 = 0.4, मतलब 0.4 सेकेंड उसको वापस ग्राउंड में आने में लगेगा। मतलब अगर आप एक बॉडी को फेंक रहे हैं और आपको 0.5 सेकेंड अगर मान लो टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, तो दोबारा मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पहुंचने में फिर 0.5 सेकेंड लगेगा, मतलब टोटल 1 सेकेंड का जर्नी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मतलब आपको हम बता रहे हैं ये बात, इस क्वेश्चन में 0.4 सेकेंड विल बी द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन मानने का हम ट्राई करते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 10 मीटर विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम ए टावर 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ये सवाल है, मतलब एक बॉडी को टावर से फेंका गया है, 10 मीटर हाइट एक टावर है, वहां से फेंका गया। तो आप लोग को पता है कि बॉडी का यहाँ पे अब हम सारे क्वांटिटीज चेक करेंगे, कौन प्लस में लेंगे क्या माइनस में लेंगे। तो आपने जब शुरू में बॉडी को भेजा था, तो बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका गया था, और वो सरफेस के ऊपर, तो यू का वैल्यू प्लस में लेंगे। अच्छा अल्टीमेटली बॉडी जब थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पहुंचा, उसके बाद फिर से ग्राउंड पहुंच गया, तो उसका अल्टीमेटली उसने क्या करा, अल्टीमेटली वो अपने, मतलब उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था, मतलब वो ऊपर में था 10 मीटर हाइट पे, अब नीचे जब पहुंचा तो बिल्कुल ग्राउंड के सरफेस में आ चुका है। तो कुल मिला के उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, वो टुवर्ड्स द ग्राउंड हुई है, क्योंकि इनिशियल पोजिशन तो उसका ऊपर था और फाइनल पोजिशन एकदम ग्राउंड के नीचे आ रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स दी -y एक्सिस हुई है, इसलिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस में लेंगे, इसलिए -10। और आपको पता है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम उसका इस्तेमाल करने के बाद हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और टाइम निकालने पूछा है ग्राउंड पहुंचने में, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि 10 10 10 कट जाएगा, -1 = t/1 -t² / 2, यहाँ से -1 = 2t - t² / 2, और उस तरह से -2 2t - t, मतलब फाइनल इक्वेशन जो बन के आएगा वो t² - 2t - 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट फॉर द रेफरेंस, मतलब जस्ट फॉर नोइंग द आंसर, ये जो आंसर करीब करीब आएगा वो टी का वैल्यू फाइंड आउट करें, इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, दैट इज अल्फा और बीटा दो उसके वैल्यूज निकलेंगे। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो आपका आंसर दो दो आंसर आएगा, एक प्लस में आएगा आपका एक आंसर, एक माइनस में आंसर आएगा। तो हम हमेशा टाइम है तो टाइम कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए हम वही आंसर चूज करेंगे जो कि प्लस में आने वाला है। तो उसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिससे हम दो वैल्यूज निकालेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b + √d/2a, और बीटा का फॉर्मूला होता है -b - √d/2a। तो हम इन इक्वेशंस को आपको क्लास 10th पे पढ़ना है, तो इट्स बेटर आप अपने मैथ्स टीचर का हेल्प ले सकते हैं फॉर हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी के लिए आप जान लो कि वहां से टी का वैल्यू निकल के आएगा 2.732 सेकेंड्स। सो ये दो क्वेश्चंस थे मोशन अंडर ग्रेविटी का, और आपको साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है उनको समझाने के लिए मैंने ये दो क्वेश्चंस लिए।
थैंक यू वेरी मच।